अमीबा जब अपने सुडोपोडिया के हेल्प से फूड पार्टिकल को अपने सेल के अंदर ले लेता है तब वो एक सेल उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है अब्सॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को सेल के बाहर निकालता है पर क्या आप जानते हैं ये सारा प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक organ system के अंदर होता है जी हां मैं बात कर रही हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट डाइजेस्टिव फूड के डाइजेशन में इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली नॉट स्मॉल इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल आपने ये सुना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ छोटे छोटे होते हैं, हैं। हैं? जिनको हम हम बोलते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं? अगर हम human small intestine को उसकी विलाय के साथ open कर एरिया इज इक्वल टू टेनिस कोर्ट आर सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस टू पिंट ऑफ सलाइवा ईच डे दिस टू पिंट इज सफिश टू फिल टू सोडा कैंस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता लार्ज इज़ मेंट फॉर ओनली ऑफ़ वाटर एंड मिनरल्स। आपने फोर हार्ट के बारे में सुना होगा, पर क्या आप, जानते like आप सब जानते होंगे कि हमारा स्टमक एक बहुत ही कंसेंट्रेटेड एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचने के लिए हमारा स्टमक एक thick layer of mucus को प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक हर दिन half gallon of hydrochloric acid को produce करता है। क्या आप जानते हैं ग्रेविटी रोल इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन आर एलिमेंट्री कैनाल इट इज एक्चुअली ड्यू टू ऑफ मसल्स जिसकी वजह से हमारा खाना इसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है And it moves in the entire elementary canal. Burping is actually due to the release of excessive air that we intake during the time of eating. kya aap jante hain Detergents के अंदर भी वही enzymes present होते हैं जो कि हमारी body के अंदर present हैं. और ये enzymes हमारे कपड़ों के stains को निकालने के काम में आते हैं. It is very important to include raffage in your diet. रफेज की हेल्प से स्टूल फॉर्मेशन इजी हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल इन अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी कैसे मेंटेन रख सकते हैं स्टे हाइड्रेटेड, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर स्लीप से नो टू एल्कोहल एंड स्मोकिंग अगर आपको आज के अमेजिंग फैक्ट सुनकर मजा आया तो प्लीज हमारे एपिसोड को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर और कोई डाउट्स हैं तो उन्हें प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करें